अगर हम इससे इसको सीख लें तो हम अच्छी तरह से जो है अडोब प्रीमियर प्रो सीसी में उसकी किसी भी जो है ऑडियो की या वीडियो की उसको हम जो है अच्छे तरीके से उसको हम जो है कर सकते हैं, उसको उसके उसमें ट्रांजिशन दे सकते हैं, उसमें इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। और मेरे ख्याल में मेरी काफ़ी विंडो अपना वीडियो ज़्यादा हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ इंटरफेस बताना था। इसका बहुत बड़ा इंटरफेस, यहाँ पर भी विंडो लगी हुई है। अगर हम यहाँ से विंडो की काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दें, वर्क प्लेस जो है हमारे पास है इसको ख़त्म कर दें, तो मेरे ख्याल में ये भी वैसे ही होगा जैसे हमने आपको उसमें बताया है। तो ये देखें, हम जैसे यहाँ से करते जाते हैं सोर्स विंडो में आप नज़र आता जाता है, यहाँ पर इन और आउट हैं, ये इन है और ये आउट हैं। जितनी हमने पिक्चर लेनी है किसी चीज़ की भी लेनी है, मिसाल के तौर पर देखें ये हम लगा देते हैं इन और इसको चला देते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास वीडियो नहीं है, ये हमारे पास स्टिल पिक्चर है, समझ आ रही है आपको? स्टिल पिक्चर वो होती है। मैं आपको दरअसल जाके थोड़ा सा अगली जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जो दूसरी जो वीडियो होती है वो मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो से किस तरह से हम जो है स्टिल पिक्चर में काम कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि देखें ये चल रही है, ये हमारी जो तस्वीर है, ये पिक्चर जो हमने यहाँ से ली है और जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है इधर, इसमें हम इसमें ऑडियो कोई भी ऑडियो जो है जो हमारे पास पड़ी है वो भी डाल सकते हैं ऑडियो। लेकिन ऑडियो ऑडियो जो होगी हमारे पास जो भी होगी वो इतनी होगी कि हम जो है उसको हम ये देख सकेंगे कि कितनी ऑडियो जो है वो हमारे वो है काम किया है। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है आज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे कि किस तरह से मज़ीद इस पे काम किया जा सकता है। तो अल्लाह हाफिज़।